उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। लखनऊ में अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की है। संजय सिंह ने हालांकि सफाई दी, उन्होंने बताया कि वो अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं, लेकिन इससे पहले शायद ही आम आदमी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से उनको उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पहुंचे हों, लिहाजा इस मुलाकात का सियासी मतलब निकाला जा रहा है आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी, इस तरीके की अटकलें, इस तरीके के कयास इस मुलाकात के बाद लगाए जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसका क्या कुछ राजनीतिक नफा नुकसान। ऐसा माना जा रहा है कि इस पहली मुलाकात में संभवतः इसी मुद्दे पर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी। हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और एक तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। जिला पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है उस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 25 जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपहरित किया, यही कहा जाता है। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माना जाए कि आपके अखिलेश जी से बातचीत आने वाले वक्त में सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? अभी तो आज तो सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसीलिए आए। धन्यवाद। तो संजय सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये शिष्टाचार की मुलाकात है, जन्मदिन का मौका था लिहाजा बधाई देने आए, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव के किसी भी जन्मदिन पर आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता उन्हें मुबारकबाद देने उनसे नहीं पहुंचे थे मिलने के लिए। विधानसभा का चुनाव अगले साल उत्तर प्रदेश में होना है, बड़ा सूबा, आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, लिहाजा इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।